हरियाणा सरकार ने प्रमाणित किस्मों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, ताकि किसानों को न सिर्फ आर्थिक बोझ कम हो बल्कि पैदावार भी अच्छी हो। अलग अलग फसलों के हिसाब से 1 से लेकर 4,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। सरकार के मुताबिक गेहूं के बीज पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के बीज पर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, दलहन के बीज पर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और तिलहन के बीज पर 4,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा प्रमुख गेहूं, जौ, दलहन एवं तिलहन उत्पादक देश है। खास तौर पर इस बार सरसों उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक में आगामी रबी फसल सीजन 2021-22 के लिए बीज उत्पादन और वितरण की समीक्षा की गई। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दावा किया कि आगामी सीजन में बीज की कोई कमी नहीं है। हरियाणा में 21.99 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है, जबकि 17.64 लाख क्विंटल की मांग है। किसानों को नई किस्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रमाणित किस्मों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह काम हरियाणा राज्य बीज विकास निगम, इफको, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड व हाफेड को सौंपा गया है। यह फैसला हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और राज्य में स्थित ICAR संस्थानों के वैज्ञानिकों के परामर्श से किया गया है। हरियाणा में बीज उत्पादन और वितरण की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। बागवानी महानिदेशक और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपने ब्रांड के तहत प्रमुख सब्जी फसलों के लिए राज्य निर्मित संकर बीज के उत्पादन और प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक एक्शन प्लान अगले 2 सप्ताह में सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं प्रवक्ता ने बताया है कि 3.10 लाख एकड़ भूमि के लिए किसानों को प्रमाणित सरसों बीज की मिनी किट व 22,500 एकड़ के लिए हाइब्रिड सरसों बीज निशुल्क वितरित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।